हेलो सर, हमारे सभी दोस्तों को वेलकम है। आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस कारण सारे क्लास अभी डिस्टर्ब है, यानी कि बंद है। इसलिए हम लोग सोचे हैं इस कोरोना वायरस के सारे क्लास बंद होने के कारण भी कोई क्लास नहीं चल पाते हैं, तो हम लोग सोचे कि घर बैठे बैठे क्यों नहीं हर एक पॉइंट का देखे सी टेट के लिए तैयारी जो करते हैं सी टेट के लिए। तो उसके लिए हम सोचे हैं कि हर एक चैप्टर का क्वेश्चन करवाएँ पॉइंट बाय पॉइंट, बैठे बैठे घर हमारे सभी दोस्त इसी को देख सकते हैं। तो उसी क्रम में नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे, इससे पहला वीडियो जो था नंबर सिस्टम से चल ही रहा था, तो उसी में आज दूसरा पॉइंट पढ़ा रहे थे कर्मागत संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग। इसमें भी कुछ क्वेश्चन करवाए थे और कुछ क्वेश्चन बच गया था, आज उसी के लिए हम आए हैं कुछ और क्वेश्चन बताने के लिए। तो चलते हैं हम लोग दोस्त, आप शुरू करते हैं क्वेश्चन, इसमें देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन कुछ बताएंगे कैसे बनाना है उसको, और हम लोग जो बनाएंगे फिर उसको, और रिजल्ट भी कैसा होना चाहिए उसका। बहुत डिफरेंट डिफरेंट का क्वेश्चन देखते हैं, कभी सम रहेगा कभी विषम संख्या, कभी कैसे निकालेंगे हम लोग, तो आज उसी पर हम देखते हैं चलते हैं इसमें हम लोग। तो क्या है पहला कर्मागत, कर्मागत में तो हम बता चुके थे क्या होता है, कंटिन्यूस लगातार, जैसे कि एक दो तीन चार। और इसमें क्या दिए हैं वर्गों, तो वर्ग बताए थे, स्क्वायर जो होता है जैसे दो पावर होना चाहिए किसी संख्या, जैसे एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, इस तरह से बताए थे। तो वर्गों का क्वेश्चन करवाए थे लेकिन घनों का क्वेश्चन नहीं करवाए थे इससे पहले वाला वीडियो। तो आज वर्गों में भी कुछ क्वेश्चन देखना है, उसके बाद हम लोग घनों में चलते हैं। तो वर्ग में हम लोग देखते हैं पहले, तो वर्ग जैसे कि हम दिखाते हैं विषम संख्या का वर्ग रहेगा तब कैसे निकालेंगे हम लोग, सम संख्या का वर्ग रहेगा तब कैसे हम लोग निकालेंगे उसका योग, तो उस पर हम लोग चलते हैं। तो चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले, छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसा रहेगा, दो का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर प्लस छः का स्क्वायर प्लस छः का स्क्वायर प्लस मान लीजिए आपके पास आठ का स्क्वायर है डॉट डॉट मान लीजिए बीस का स्क्वायर, यहाँ तक का योग ज्ञात करें। समझ रहे हैं क्या बोले हैं, जैसे दो का स्क्वायर है, चार का स्क्वायर है, छः का स्क्वायर है, आठ का स्क्वायर, डॉट डॉट कहाँ तक है, बीस का स्क्वायर तक। अब इसी का योग ज्ञात करना, तो हम लोग इसका योग कैसे ज्ञात करेंगे आज इसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये क्या हो गया सम संख्या, देख लीजिए दोस्त क्या है सम संख्या, जैसे दो है, चार है, छः है, आठ है, ये सब क्या है मेरे पास सम संख्या है। तो सम संख्या हो गया, अब इसका योग कैसे निकालेंगे आज इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। नहीं तो देखते हैं हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। तो इसका एक तरीका ये है, मान लीजिए इसमें समझे दो का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तब भी हमको क्या हो जाएगा, यहाँ तो वन बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, मानी दो का स्क्वायर कॉमन है टू बचेगा, ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन है कि उसमें फिर परेशानी हो जाएगा। तो इससे अच्छा हम लोग ऐसे बनाते हैं इसको, कैसे बनाते हैं तो देखते हैं, दो से लेकर बीस तक लिखें ये सम है, दो से बीस तक में कितना एन होगा, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है उसको याद कर लेंगे, चाहे सम हो चाहे विषम हो दोनों के लिए ही फार्मूला होता है, क्या होता है सो देखिए, सम संख्याओं का सम संख्याओं के वर्गों का, समझ रहे हैं, सम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर, फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाय सिक्स, क्या लिखे हैं n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाय सिक्स, चाहे सम हो या विषम दोनों के लिए यही होगा, जैसे विषम के लिए वही होगा, विषम संख्या के लिए भी यही फार्मूला होगा, विषम संख्याओं का वर्गों का योग का भी फार्मूला यही होगा, n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू बाय क्या लिखेंगे हम लोग सिक्स, सम और विषम दोनों के लिए एक ही फार्मूला है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाय सिक्स, विषम में वही है एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाय सिक्स, सम हो या आपके पास विषम है दोनों के लिए यही आपका फार्मूला है। तो हम चलते हैं हम लोग, अब एन है, एन कितना होगा यहाँ से, यहाँ एन निकालेंगे हम लोग और उसके बाद इस पर हम लोग फुट करते हैं हम लोग। तो देखिए दो से कहाँ तक है मेरे पास बीस तक है, तो जैसे मान लीजिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं, पहले छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं, इसको लिख लीजिए जिसको नोट करना है। एक एग्जांपल हम लेते हैं पहले, मान लीजिए दो का स्क्वायर है, चार का स्क्वायर है,
और मानिए छः का, यहाँ तक करने मैंने दो ही छोटा पढ़ लेते हैं हम लोग, दो का इसका प्लस है, इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ते हैं हम लोग, तो ऐसे जोड़ सकते हैं जैसे चार हो गया प्लस एक कितना हो जाएगा सोलह, तो सोलह चार कितना हो गया बीस हो। अब इसे यदि हम फार्मूला पुट कर देखते हैं क्या आता है मेरे पास, दो है और चार है तो चार इंटू कितना हो गया मेरे पास, चार एक पाँच हो गया, फिर क्या है चार दो छः बटा कितना हो गया छः, कट गया चार पंचे कितना हो गया बीस हो गया। तो हम देखें क्या लास्ट में जो मेरे पास है लास्ट दो से चार, तो लास्ट में कितना चार था तो एन कितना हो गया मेरे पास चार हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, एक एग्जांपल और छोटा सा पहले हम ले लेते हैं और उसको भी समझ लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए मानिए दो का स्क्वायर है चार का स्क्वायर है और छः का स्क्वायर, इसी को ऐड करना है तो हम जनरली कैसे ऐड कर सकते हैं, ऐसे ऐड कर सकते हैं सोलह है छत्तीस है तो ये कितना हो जाएगा देखिए बीस प्लस छत्तीस बीस और प्लस कितना हो गया मेरे पास छत्तीस हो गया, तो ये कितना हो गया मेरे पास देखिए दोस्त, तो बीस प्लस छत्तीस को हम ऐड कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास छप्पन हो जाएगा। आप ऐसे भी ऐड करते ऐसे में बहुत समय लग जाएगा। अब इसी को हम फार्मूला आप देखो जो हम फार्मूला लिखे हैं उस पर हम ऐड करते हैं एक बार, अब उस पर हम ऐड करते हैं तब देखते हैं हम लोग। तो एन कितना हो गया देखते हैं इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो छः इंटू छः प्लस वन और छः प्लस टू तो कितना हो जाएगा एट बाय सिक्स, सिक्स कट गया तो ये कितना हो गया सात गुना आठ तो बराबर कितना हो गया छप्पन हो गया। तो ऐसे में तो बहुत समय लग जाएगा तो हम लोग कम समय के लिए हम लोग ऐसे फार्मूला पर हम लोग बनाएंगे। तो अब इसको हम लोग बना रहे हैं देखिए दो से लेकर कहाँ तक है बीस तक का स्क्वायर का सम निकाल रहे हैं, कैसे हम निकालते हैं सो देखिए दोस्त। अब मेरे पास हम बना रहे हैं इसको और से एग्जाम्पल हम लेंगे अब देखिए, तो एन कितना हो गया मेरे पास बीस हो गया, एन कितना हो गया मेरे पास बीस हो गया, तो हमारे पास एन है बीस तो क्या है मेरे पास सम संख्या, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग तो कितना हो जाएगा, तो एन कितना मेरे पास बीस है तो लिखेंगे बीस, अब बीस क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू होता है तो बीस, तो बीस एक इक्कीस कितना हो जाएगा इक्कीस, फिर बीस प्लस टू कितना हो जाएगा बाईस बटा क्या लिखेंगे सिक्स। अब इसको डिवाइड करते हैं देखिए हम तीन से करते हैं पहले, तीन दुना छः सत्या इक्कीस, यहाँ कितना हो जाएगा दस, कितना निकल गया सत्तर गुना बाईस, तो सात दुना चौदह, सात दुना चौदह एक पंद्रह, कितना आ गया पंद्रह सौ चालीस, आपका यही आंसर। तो फिर हम देखते हैं एक बार दोस्त इसको सम संख्याओं का वर्गों का योग निकालना हो या विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाय सिक्स, या विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालेंगे दोस्त, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाय सिक्स। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लिए हैं ये क्या है मेरे पास सम संख्या है, कहाँ से कहाँ लेकर हम लेकिन दो से लेकर बीस तक का योग निकाल रहे हैं, कहाँ से कहाँ है बेटा दो से कहाँ से निकाले हम लोग दो से लेकर बीस तकों का वर्ग निकाल रहे हैं, तो देखते हैं हम लोग दोस्त, तो दो से बीस तक है तो एन कितना मैं लिए लास्ट का टर्म जो है वही आपको एन होगा, तो अंत में कितना मेरे पास बीस है तो बीस गुना क्या है एन प्लस वन, तो बीस प्लस एक कितना होगा इक्कीस होगा, तो बीस प्लस इक्कीस फिर क्या लिखें इंटू मतलब गुना एन प्लस टू, तो बीस प्लस टू कितना बाईस हो गया, तो बीस गुना इक्कीस गुना बाईस बटा छः, अब इसको हम डिवाइड कर दिए आंसर कितना आ गया पंद्रह सौ चालीस। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब एक और एग्जांपल लेते हैं और आगे हम देखते हैं एक एग्जांपल लेकर और नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं विषम संख्याओं का, क्या लेंगे हम लोग अब विषम संख्या वाला लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मानिए इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेंगे आपको वन का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर है और मानिए पाँच का स्क्वायर विषम संख्या फाइव का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर डॉट डॉट मान लीजिए ट्वेंटी वन तक का दिया हुआ है, अब इसका योग निकालना है, ये कैसी संख्या है विषम संख्या है हम लोग जानते हैं ये कैसी संख्या है विषम संख्या, अब इसका योग निकालना है का योग, अब इसका योग निकालना है कैसे निकालेंगे बस फॉर्मूला क्या होता है अभी जस्ट बताए हैं, विषम संख्याओं का विषम संख्या विषम संख्याओं के वर्गों का
यू। क्या अभी जस्ट फॉर्मूला बताए एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाय सिक्स, वही फिर हम लिखते हैं यहाँ एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू बाय सिक्स। तो देखिए एन क्या बोले, ये क्या है मेरे क्रमागत संख्या है, तो लास्ट में कितना मेरे पास 21, सही। क्या लिखेंगे यहाँ हम लोग, एन लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा मेरे पास एन बराबर, कितना हो जाएगा मेरे पास एन बराबर 21। तो फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाय सिक्स। तो एन कितना है मेरे पास 21 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग योग बराबर कितना लिखेंगे, तो 21 गुना 21 प्लस वन कितना हो जाएगा 22, 21 प्लस दो कितना हो जाएगा 23, बटा कितना लिखेंगे हम लोग 6। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, देखते हैं हम लोग, ये दो हो जाएगा, ये फिर इसे हम काटेंगे हम लोग, ये कितना 11 हो गया। अब इसको गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा मेरे पास गुना 7 या 21 का 1, 7 दुना 14, 2 14, 2 16 गुना 11। अब इससे गुना करने जानते हैं हम लोग, 1 7 एक, फिर क्या हो जाएगा यहाँ 8 1, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग गुना करते हैं हम लोग। फिर देखिए क्या क्या है, ये विषम संख्या है, एक से लेकर कहाँ तक हम लिए 21 तक लिए। विषम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाय सिक्स। तो मेरे पास एन कितना है, क्यों क्रमागत संख्या है, एक से लेकर एन कितना माने हैं, लास्ट का टर्म जो है बार बार बोलते हैं लास्ट वाला जो है वही क्या होगा यहाँ एन होगा। तो एन कितना हो गया 21, 21 प्लस वन कितना हो जाएगा 22, 21 प्लस दो कितना हो जाएगा मेरे पास 23 हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल दिया। अब चलते हैं, ये तो हो गया वर्गों वाला, अब हम चलते हैं किस पर, घनों का। किसी भी क्रमांक संख्या दिया रहेगा तो उसे घनों का योग कैसे निकालेंगे, अब उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग अभी देख चुके हैं सम और विषम, सम हो या विषम हो दोनों के लिए एक ही फार्मूला होगा, क्या फार्मूला होगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाय सिक्स। अब हम लोग किस पर चल सकते हैं, घनों वाले पर चलते हैं। अब चलते हैं, अब क्या है लास्ट में घनों के योग, तो घनों का योग कैसे निकालते हैं, देख पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन, पहले हम लिखते हैं वन का क्यू है प्लस टू का क्यू, घन का मतलब तीन पावर होना चाहिए, कितने पावर होना चाहिए किस संख्या पर, तीन घात को हम लोग क्या कहते हैं घन कहते हैं। तो तीन घात देते हैं जैसे एक का स्क्वायर दो, एक का क्यू दो का क्यू प्लस तीन का क्यू डॉट डॉट। मान लीजिए आपके पास 40 का क्यू तक का योग निकालना है, यहाँ तक का योग निकालना है। अब इसको हम लोग कैसे निकालें, इसके लिए फार्मूला है, फार्मूला को याद रखेंगे, क्या फार्मूला है देखिए। तो क्रमागत क्रमागत संख्याओं के, इसी को प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग भी कहते हैं, दोनों बात एक ही है, क्योंकि यहाँ क्रमागत लिख ही लिए हैं। तो सपोज कीजिए प्राकृतिक संख्याओं को इसमें बोलते प्राकृतिक संख्या घनों का योग भी कहते हैं हम लोग, इसलिए दोनों एक ही जाए। क्रमागत संख्याओं के घनों का योग बराबर फॉर्मा लिखते हैं हम लोग एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, पूरे का क्या करेंगे हम लोग हॉल स्क्वायर देंगे। क्या है फिर से हम बताते हैं, क्या लिखे हम लोग एन इंटू एन प्लस वन बाय टू हॉल स्क्वायर। एन का मतलब यहाँ क्या, एन का मतलब यहाँ पर कुल नंबर, कितना इसमें संख्या है वो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एक से लेकर 40 तक में कितनी संख्या होगा, एक से लेकर 40 तक में 40 संख्या होगी, तो यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग 40 और प्लस 40 प्लस वन कितना हो गया 41 बटा क्या हो गया 2। जैसे हम अभी देखते हैं एन बराबर एक से लेकर 40 तक में एन कितना होगा मेरे पास, एन बराबर कितना हो गया मेरे पास 40। तो अब योग कितना हो जाएगा, तो योग बराबर 40 इंटू 40 प्लस वन कितना हो जाएगा 41, फिर बाद में कितना लिखेंगे हम लोग 2, पूरे का क्या है मेरे पास हॉल स्क्वायर, तो ये 20 हो गया। अब देखिए गुना करते हैं हम लोग कितना होगा 0 नहीं इससे गुना कर देंगे हम लोग 2 4 9 8, इसका क्या हो जाएगा हॉल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको गुना कर लीजिए 82 नहीं 82 का स्क्वायर कर लीजिए कितना होता आपके पास, यहीं गुना कर लीजिए आप लोग 4 हो गया 8 9 16, फिर 8 9 16 फिर देखिए 64 एक 65 12 5 एक 6, तो यही मेरे पास कितना आंसर हो गया 6 6 2 4
सेवन हो जाएगा, 6724, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फिर देख लीजिए हम क्या किए, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब, कहाँ तक है मेरे पास, 40 का क्यूब तक निकालना। तो n का मतलब यहाँ कुल संख्या, 1 से लेकर 40 तक कितनी संख्या हो गया, 40 संख्या हो गया, कितना हो गया आपके, 40 संख्या हो गया। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे n बराबर कितना लिखेंगे, 40। तो हम लिखें क्या, 40 × 41/2 का होल स्क्वायर, मतलब n तो 40 हो गया, फिर 40 + 1 कितना, 41 हो जाएगा। तो हमारे पास ये कट गया, 20 हो गया, गुना कर दी, इतना आपका आंसर। एक एग्जांपल और हम लेते हैं बस, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए 1 का क्यू है, 2 का क्यू, ऐसा हम एग्जांपल लेते हैं तो हो ही गया। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए आपको दे रहे हैं 4 का क्यू + 5 का क्यू + 6 का क्यू .. मान लीजिए 10 का क्यू दिए। अब इसका योग निकालना है, का योग ज्ञात करना है, इसका का योग। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, 4 से लेकर कहाँ है 10 तक है, तो इसमें तो n नहीं मालूम है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग 1 से लेकर 3 तक इसमें ऐड कर देंगे, जितना इसमें हम जोड़ेंगे बैलेंस करने के लिए, फिर उतना क्या करना है, घटाना भी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, 1 का क्यू 2 का क्यू 3 का क्यू 4 का क्यू .. 10 का क्यू। फिर हम लोग कितना जोड़े हैं, 1 से लेकर 3 तक जोड़े हैं, तो इधर कितना घटा देंगे, 1 से लेकर 3 तक हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोस्त घटा देंगे हम लोग। अब इसमें देखिए, अब यहाँ से हमारे कुल कितना एन हो गया, तो यहाँ से मेरे पास कितना है, 110 तक है, 10 हो जाएगा। तो योग कितना हो जाएगा इसका, तो योग बराबर हो गया, एन का वैल्यू कितना है, 10 है। हम जानते हैं एन इंटू एन प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर, तो एन कितना मेरे पास, 10 है। तो 10 लिखेंगे इंटू 10 × 11/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से आकर हम लोग 1 से लेकर 3 तक का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 × 3 = 4/2 पूरे क्या लिखेंगे हम लोग, होल स्क्वायर। अब ये कितना हो गया मेरे पास, 5 हो गया। तो 11 × 5 = 55 का होल स्क्वायर माइनस, ये कितना हो गया, 2 हो गया, 6 का स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो जानते हैं इसका 5 का इकाई संख्या पर 5 रहे, तो उसका हम जानते हैं करने के लिए, 5 × 6 तो ये कितना हो जाएगा, 30 30 25। अब माइनस ये कितना हो गया, 36। अब माइनस करते हैं 15, यहाँ लिखते हैं माइनस करके, 10 − 5 = 6 9 = 6 गया तो 9 बचेगा आपके पास। और यहाँ 11 में से 3 गया तो 11 में से 3 गया 8 हो गया आपके पास, यहाँ 9 हो गया और यहाँ 2, यही आपके पास आंसर। तो हम लोग क्या किए, देखिए 1 से लेकर 4 इसमें 1 से लेकर 3 तक जोड़ दिए, क्यों जोड़े, क्योंकि हमारा कहाँ है कर्मागत संख्याओं का, मतलब हम कंटिन्यूस लेंगे 1 से लेकर यहाँ तक में, तब तो मुझे आंसर पता चलेगा ना, तो इसलिए इतना हम जोड़ दिए हैं, जितना इसमें जोड़े हैं फिर उतना क्या किए, घटा दिए हैं। फिर हम लोग फार्मूला जानते हैं एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो एन कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 × 11 क्यों, एन प्लस 1 तो 10 × 10 + 1 = 11 हो जाएगा, 2 पूरे का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से यहाँ कितना एन होगा, 3 होगा, तो 3 + 4/2 का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, तो यही इसका आंसर हुआ। तो हम लोग देख लिए आज वर्गों एवं घनों का योग कैसे निकालेंगे दोस्त, आज पूरे हम लोग चर्चा किए, अभी टॉपिक खत्म हो गया। अब इससे नेक्स्ट हम आएंगे इकाई संख्या कैसे काउंटिंग करेंगे, किसको दिया रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चन आता है उससे, जो इकाई की संख्या लास्ट में जीरो की संख्या हमको निकालना है, कितनी जीरो संख्या आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप लोगों का थैंक यू।